फुटेरी बीवी। नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाहता है, पर नीता को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है, जिसके लिए परिवार तैयार नहीं होता। इन्हीं सब उलझनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं। शादी तो तुसी मेरी करा दिता, हुन मैं भी देख दिया ऐ परिवार खुश किवें रहंदा है। अपने गुस्से के चलते नीता शादी के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है, जिससे घर में सबको दिक्कत होती है, लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता। एक दिन सास नीता के पास आती है। बहू की गल, तुसी की बेनाल या किसी गल से नाराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, मैं ठीक हाँ। ऐसा बोल नीता वहां से चली जाती है, पर सास की बात उसके मन में रह जाती है। शादी के अगले दिन से ही मैं सब दे नाल किन्ना ओखा भी है किता, फिर भी आ मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया। मानू नफरत करनी नहीं आउंदी, ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तुहाड़ा गुस्सा भी खत्म हो जाऊगा। यह कदे नहीं हो सकता। इससे पहले राघव कुछ बोलता, नीता का मोबाइल बजने लगता है, जिस पर राघव वहां से चला जाता है और नीता फोन पर बात करने लगती है, जिसके बाद अगले दिन से नीता की जैसे ही आत्मा बदल गई हो, वो बिना किसी के बोले घर के सारे काम कर देती है। उसकी ऐसी काया पलट देख राघव और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। बहू तबियत छबियत ठीक सी? तबियत छड्डो माँ, मैनू लगदा इसका दिमाग हिल गया। ए तुसी दोनों की गल करी जांदे हो, मैं ठीक हाँ ते मेरा दिमाग भी, बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच किन्ना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी। नीता की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में घर की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में आ जाती है। उसी के साथ सास और राघव भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं। नीता मेरा लैपटॉप कित्थे आ? बहू मेरी दवाइयां। अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्न बहू बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है। ऐ हुई ना गल, हुन आएगा जिंदगी विच स्वाद। तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक रात सास और पति के सोते ही सारे गहने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। रवि मैं आ गई, अब सानू कोई अलग नहीं कर सकता, देख मैं सारी ज्वेलरी ते कैश भी साथ ले आई। नीता की ये बात सुनकर रवि खुश हो जाता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं, जिसमें नीता पूरा समय काम करती है तो रवि उसके लाए पैसों पर ऐश करता रहता है। मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके ससुराल छड़ाई, और एक तू आ जो पैसों दे आगे कुछ भी नहीं देखदा। ओ महारानी अपने काम तो काम रख, मेरे ते जुबान लड़ान दी जरूरत नहीं, वरना इस घर तो बाहर कर देना है। ऐ मेरा घरा तेरा ससुराल नहीं, जीवे मन किया रह ली इते रहन लाई, हाथ चला जुबान नहीं। रवि की बातें सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही टूट जाता है। एक तेरे करके मैंने अपने माँ पियो नाल उस भले चंगे ससुराल नु भी धोखा दिता, ते तू छड्डो परे मेरी ही गलतियां, जे अखा उत्ते तेरे प्यार दा पर्दा डाल उस दिन फोन ते तेरी गल्ला विच आ गई, जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उते ही बैठी होनी सी। ए भाषण उन्ना दियो जिससे इसका फर्क पड़े, मेरे कॉल नौटंकी नहीं। रवि वहां से चला जाता है और नीता रोती पछताती वहीं बैठ जाती है। हाय रब्बा ए मैं की कर दिता, उस घर विच भी वापस नहीं जा सकती, एक ता घर छोड़ा नाल चोरी भी की, कोई मेहनू माफ नहीं करूंगा। घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवि का घर छोड़ नहीं सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन्हीं के साथ हालात बद से बदतर होते जाते हैं। अब रवि पैसों और अपनी मनमानी के लिए नीता के साथ मारपीट भी शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है,
जिसे वहां देख राघव गुस्से से लाल हो जाता है। होनी थे की लेना या हमारी जिंदगी के साथ घर था तो पहले ही बर्बाद कर गई सी। जान दिया, मेरी गलती माफ लायक नहीं। मैं कमली सी, उस ढोंगी नु सच्चा प्यार दे, इस सच्चे प्यार नु बहुत समझती बैठी, मैनु माफ कर दो। जे मेरी नूरानी समझ गई या कि उस तो गलती हुई या, फिर किस बात का रुसना मनाना। केड़ी नूरानी, रानी बोलन जोगा इसने केड़े झंडे गाड़ दिए। माँ याद कर, तेरे घर बिच चोरी कर बहू ते पत्नी सब रिश्ते तोड़ भाग गई सी, और फिर की मानता रहिया गलती हो गई सी। एक गलती ता रब भी माफ कर दीता, ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ, माफ कर दे। मैं बोल रहिया ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी, इस दा नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले। ठीक आ, जीवे तुहानू ठीक लगे, पर इसे बोल दे मेरे कोलो कोई उम्मीद ना रखे। तुसी जीवे कहोगे। अब सास हर रोज राघव को मनाने की कोई ना कोई नई तिकड़म बताकर नीता को उसके पास भेजती रहती है, जिससे कुछ समय बाद नीता का पछतावा और कोशिशें देखकर राघव भी उसे माफ